सुकर्ण मिश्रा इस समय क्या कह रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा जी के बेटे भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डबरा में बहुत मेहनत की है सुकर्ण ने। क्या कहा सुकर्ण ने, जरा सुनिएगा। जिस तरीके से अभी टीवी पर रुझान देखने मिल रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान की कार्यप्रणाली, विकास पर मोहर लगाई है। और कांग्रेस ने जो 15 महीने कुशासन किया, इस प्रदेश में लूट मचा दी, भय का वातावरण, भ्रष्टाचार का वातावरण था, उसके खिलाफ जाके वोट किया है। जनता ने इस बार बहुत समझदारी से अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव प्रचार के दौरान ही ये देखने मिलता था कि जनता में एक उत्साह था, उनको इस बात की खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा लौट के आई और अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मध्य प्रदेश फिर से विकास की ओर, विकास की पटरी पर दौड़ेगा। मध्य प्रदेश में 2003 से 2018 तक भाजपा की सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये करके दिखाया कि किस प्रकार जनता के, गरीब के, मजदूर के, किसान के काम करे जाते हैं। उसके बनिस्पत कांग्रेस झूठ बोल के जो सत्ता में आई थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, इनकी पोल जनता ने इस बार उपचुनाव में खोल दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जनता के विकास की योजनाएं प्रदेश में बढ़ चढ़कर लागू करेंगे।